हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे एक पनीर की सिंपल और बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ज़्यादा क्विकली बन जाती है। तो आइए देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है और ये कैसे बनती है। इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे 150 ग्राम के करीब पनीर, एक ग्रीन कैप्सिकम लिया है मैंने और कुछ 8 से 10 लहसुन की कलियाँ मैंने यहाँ पे ले ली है। और यहाँ पे टमाटर नहीं है लेकिन इसमें हमें टमाटर भी लगेगा। सबसे पहले हमें पनीर को फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है, लेकिन अच्छे से इसका हर तरफ फ्राई होना चाहिए। फिर हमें लहसुन को फ्राई कर लेना है उसी तेल में, और थोड़े धीमी आंच पे इसको फ्राई कीजिएगा वरना ये जल सकती है। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद इसमें हमें कैप्सिकम जो हमने काट के रखा था वो कैप्सिकम हमें डाल देना है। कैप्सिकम थोड़ी सी फ्राई हो जाने के बाद इसमें हमें टमाटर भी डाल देना है। टमाटर को डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है थोड़ी देर तक। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है, इसको फिर से थोड़ी देर फ्राई करना है। इसमें हमें किचन किंग मसाला डाल लेना है, करीबन 2 टेबलस्पून किचन किंग मसाला। इसमें सिर्फ एक ही मसाला पड़ता है और इसमें कोई मसाला नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करके इसमें केचप डाल देनी है। केचप आप 1 या 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। फिर इसमें हमें पनीर के क्यूब्स डाल लेनी है जो हमने फ्राई करके रखे थे। पनीर के क्यूब्स डाल लेने के बाद इसको फिर से अच्छे से फ्राई करना है करीबन 2 मिनट तक। इसके बाद हमें यहाँ पे करीबन 1.5 कप दूध डाल लेना है, लिक्विड दूध मैंने यहाँ पे लिया है उसको डाल देना है। और यहाँ पे पानी नहीं पड़ता है, ये पूरा दूध से ही बनेगा। दूध आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इसमें दूध डाल देने के बाद इसमें जैसे ही बॉयल आ जाती है तो उसके बाद आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसको आप बंद कर सकते हैं। हमारी पनीर की सब्ज़ी रेडी हो गई। आप इसको चावल, रोटी, पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।